हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में शोभा सिलाई कला। आज की हम इस वीडियो में बताऊंगे कट पीस के कपड़े से कुछ खास चीज़ बनाना। तो मेरी ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन उसे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। सबसे पहले हम एक सेट से फ्लावर्स को निकालेंगे और आपको जितने फ्लावर्स लगे उतनी इसमें से कट करके निकाल सकते हैं, वर्क है उतना ही से निकालें। ग्लास का देख रहे हैं, ग्लास से इसका पूरा फुल साइज आ रही है, इससे निकाल लेंगे निशान लगा के। अब इसे हम जो रेखा है उस रेखा के अनुसार इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको जितनी जरूरत पड़ेगी, जितनी पट्टी चौड़ी है आप अपने अनुसार जितनी बैठाना चाहिए उतना फ्लावर्स निकाल लेंगे। अब हम ये कपड़ा लिए हैं जो इसमें ब्लाउज बना के जो इतना बचा हुआ है इसे हम बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे लंबाई नापेंगे। लंबाई है इसकी 27 इंच और इसकी चौड़ाई नापेंगे, चौड़ाई है इसकी 11.5 इंच। इसको फिर दो फोल्ड करके इसको नाप करते हैं। इस तरह से बराबर मिला दिए। अब हमें कपड़ा की लंबाई देखनी है 13.5 इंच, जबकि हमें ब्लाउज की पूरी फुल लंबाई रखनी है 12.5 इंच। 12.5 इंच लंबाई रखनी है, पहले तो ऊपर से हम आधा इंच को निशान लगा दूंगे जो शोल्डर में ज्वाइंट हो जाएगी। अब यहाँ से ये आधा इंच को छोड़ के अब नाप करेंगे आगे 13 इंच। आगे 13 इंच में हमें 12.5 इंच पूरा फाइनली ब्लाउज रखनी है, ब्लाउज की लेंथ। अब हमें इधर बच गई आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड होगा और आधा इंच में तो तुरपाई नहीं होगी, तो इसके लिए हम बाहर से इसे ब्लैक कलर का कपड़ा ही इसमें पट्टी लगा के अंदर फोल्ड करेंगे। अब हम चलते इसका कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, वो ये मेरा शोल्डर, और ये पूछ लगा रही हूँ 3 इंच, पूरा मेरा शोल्डर 5.5 इंच आ गया। अब पीछे की गला की गहराई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, हमें 12.5 इंच फाइनली रखनी है। ब्लाउज की लंबाई इसके 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर जुटे का यहाँ से निकाल दिए। तब हमें ये निशान भी पहले निशान से नहीं नापूंगी, अब दूसरा निशान 12.5 इंच यहाँ है, यहाँ से निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से पीछे का पट्टी ब्लाउज की जितनी चौड़ी रखेंगे उतना निशान लगाएंगे। तो हम इसमें निशान लगा रही हूँ 3 इंच का, 3 इंच हमें चौड़ी रखनी है, 3 इंच पे निशान लगा दी। इसकी सिलाई के लिए 2 पॉइंट और ले लेते हैं, ये 2 पॉइंट और लिए थे सील के, हमें फाइनली पीछे की पट्टी होगी तैयार 3 इंच का। तब इस निशान से नहीं लगाऊंगी निशान, अब इस निशान से इसको कट की निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे आप चाहे तो जैसा मन है वैसा गला को शेप दे सकते हैं। अब इस रेखा से इस निशान को सीधा मिला देंगे और यहाँ हम आर्म होल की बातें कर रहे हैं। आर्म होल हमें ले रहे हैं 6.5 इंच। इतना है हमारी 36 इंच, इसके लिए हम 9 इंच पे निशान लगा रहे हैं और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगा रहे हैं। ये पूरा हो गया 10.5 इंच। और यहाँ से बैक का है तो ये आर्मोल की गोलाई लगी, सेंटर से यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगा लूँ और इस तरीका से ऐसे गोल मिला दूँ। अब यहाँ पे हमें राउंड नहीं बनानी है, इसमें थोड़ा सा तिकोना बनाऊंगी। नीचे से हम 1.5 इंच इस सेंटर ये निशान और ये निशान से 1.5 इंच ऊपर का निशान लगाऊंगी और इस निशान से इस ये निशान मिला दूँ।
अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये ज्वाइंट है इसको खोल देंगे इस तरह से, ये बन गई। अब इसको हम आगे बताते हैं। एक दोनों पल्ला को, एक पल्ला को हटा देंगे और ये मैं उड़े पट्टी नहीं काटी, सीधा सीधा पट्टी एक इंच की काट ली हूँ। इसको हम यहाँ से पकड़ के, ऊपर से पकड़ के नीचे तक सिलाई लगा देंगे। कोना जो है इस पे निशान लगा देंगे ताकि यहाँ रहेगी। तो इसी तरह से दोनों में पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसे हम नाखून मार के इसको सीधा आगे की तरफ झुका देंगे और ये जो कोन पे जो है इसको हम पट्टी को कट, सिलाई बचा के कट लगा देंगे। इसी तरह से दोनों को कट लगा देंगे। अब इसको अंदर करके इस पे एक पॉइंट के अनुसार से इस पे सिलाई लगा देंगे, एक सिलाई लेके नीचे तो सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दोनों में पट्टी को अंदर करके सिलाई लगा लेंगे। यह हम उड़े पट्टी काट के ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसको किनारे से इसको पाइपिंग चढ़ा देंगे। इस तरह से इसको पट्टी लगा ले, इसको हम पलट देंगे। पलट के इसमें पाइपिंग निकालते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग निकाले या इसके बराबर में भी सिलाई इसको लगा सकते हैं। तो हम इसको पाइपिंग नहीं निकालेंगे, इसको हम बराबर में अंदर करके इसको सिलाई लगा देंगे। अब एक टुकड़ा लेंगे, इसके ऊपर ऐसे इसको रख के सिलाई लगा देंगे। फ्लावर्स को इस पर सेट कर लिए। अभी दोनों पल्ला को आपस में बराबर रख के इसको इस तरीका से ऐसे, अब फ्लावर्स को सीधा सीधा रख के ऐसे इसको इस तरीका से पिनअप कर देंगे और इसके ऊपर हम कच्चा सिलाई लगा देंगे इधर से और इधर से। इनको हम निकाल दिए। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरह से, इसको कटिंग कर देंगे ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे इस तरह से, इसको सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम लेस फिट कर लेंगे। अब हम ये दोनों बैग का जो टक्स होता है वो टक्स लगाएंगे। उसका सेंटर के जो कपड़ा है इसको नाप लेंगे। ये 2 इंच का है, इसका आधा 1 इंच बीच से निशान लगा देंगे। इस निशान से 3.5 इंच का निशान इधर और 3.5 इंच का निशान इधर और इस पे टक्स लगा ये ऊपर से मैं टक्स लगा रही हूँ आपको के दिखाने के लिए। इसको अंदर से टक्स डाल जो अंदर की तरफ ही दिख रही है निशानी की। और इसकी लंबाई 3 से 4 इंच तक टक्स की रख सकते हैं। और ये टक्स दोनों 1-1 इंच टक्स लगेगा। हम ये टक्स का लंबाई 4 इंच ले रहे हैं। इसी तरह दोनों टक्स को नाप के निशान लगा के सिलाई लगा लो। दोस्तों कितनी अच्छी तरीका से बैग डिजाइन भी बन गई, वो भी कट पीस कट टुकड़ा से